और ये हमारे गले में पुष्प एवं मुद्राओं का ये हार आया है, और सिस सनीता के भी गले में 101 रुपए की और हमारे गले में 101 रुपए की मुद्राओं का हार आया है। ये बड़े भ्राता श्री बीरवान भाई जो काजी बदन पुष्य आए हैं, इन्होंने एक मुकुट पहना करके हमें सम्मान किया है। इसी प्रकार से ये भाई आगे के लिए बढ़ते रहें, जो इन्होंने मंजिल को तय किया उसी मंजिल को हासिल करें भगवान की कृपा से। मनोकामना पूर्ण करें, बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जब भगवान प्रकट हुए हैं, जेल की दीवार चमकी है, भगवान प्रकट हो गए एकदम से। जेल की दीवार जब चमकी तो कहने लगे हैं वसुदेव देव की काली कमली में, हाँ भैया इन बच्चों को सबसे पहले इन बच्चों को बैठाओ, ये बंधु हो। देवकी के गर्भ में गर्भ था या नहीं, पीछे हमारे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो बताएंगे। देवकी के उदर को कौन बढ़ा रहा था? भगवान कभी गर्भ से जन्म लेके नहीं आते। जो देवकी के गर्भ में गर्भ नहीं बल्कि भगवान की शक्ति गर्भ को बढ़ा रही थी, क्योंकि गर्भ तो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था पहले से भगवान ने, जो अपनी शक्ति को भेजा था कि जाओ, वो शक्ति बढ़ा रही थी उस गर्भ को। एकदम से मैया को काली कमली में पड़ी है, प्यास सताई है, प्रसव का समय है। जब प्रसव की पीड़ा सहन नहीं हुई, एकदम से प्यास लगी है, बोली है स्वामी हमारे पास आ जाओ। दुष्ट हमारे शरीर को ऐसे कस गया है कि हमारा ये बदन कहीं इधर से उधर नहीं हो रहा। अब प्रसव का समय है, हमसे किसका नहीं जा रहा, आगे नहीं बढ़ा जाना है, अपने पांव को अपने पैरों को आगे बढ़ा दो, प्रभु आपके चरण स्पर्श कर लें। वसुदेव से बोली है रोक करके देवकी, बोली है महाराज करके हमारे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल मत रो ना, बिल्कुल मत रो, जो देखोगा वो भगवान के हाथों में है। बोले हैं वसुदेव रो के प्राण प्यारी, अरे काहे को रोवे, काहे को रुवावे, अरे काहे को रोवे, काहे को रुवावे, बाबेरी से पेशनाई जावे।
श्रोता बंधुओं, जब ध्यान लगाया देव की मैया ने, प्रभु आ गए हैं, तब कहने लगी है, हे प्रभु पारब्रह्म, आप छोटे रूप में आकर के हमारे सामने दर्शन दो। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, तब विष्णु भगवान छोटे रूप में आए हैं। जो माँ देवकी के उदर को जो शक्ति बढ़ा रही थी, उसे वहां रवाना कर दिया है प्रभु ने। उस शक्ति को रवाना किया, उधर योग माया यशोदा के गर्भ में थी। यह प्रमाण संपूर्ण श्रीमद् भागवत में आया है।